प्रॉब्लम ये है कि हम लड़के हैं और क्या प्रॉब्लम है, लेकिन ये हमारे रिश्तेदारों की ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे लाइफ में उनके पास प्रॉब्लम करने के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम है। एक मिनट, मैं कार्तिक आर्य के जैसा क्यों बोल रहा हूँ? एनीवे, नमस्ते भाई और मेरी प्यारी प्यारी बहनों, भाइयों और बहनों, ये जो उम्र है ना 21 और 22, इसमें बहुत सारे लोग आपकी ज़िंदगी में आएंगे और बहुत सारे लोग आपकी ज़िंदगी से जाएंगे, आपका काट के, आपको मोटिवेट करके, आपको आपसे मोटिवेशन लेके, और जो काटेंगे ना वो होंगे आपके रिश्तेदार। डा डा डा, तो वो होंगे आपके रिश्तेदार, और रिश्तेदार से मेरा मतलब है पापा मम्मी भाई बहन नहीं है, रिश्तेदारों से मेरा मतलब है चाचा चाची फूफा फूफी, और लिस्ट लंबी है आपको पता है। ठीक है, तो यार प्रॉब्लम मतलब इस एज की जो प्रॉब्लम है 21 से 22 के एज की, वो एक हो तो बताऊँ, चार है। सब्र करो, बताता हूँ जल्दी किसको है, बताता हूँ फुर्सत से, बताता हूँ तबीयत से, बताता हूँ चार प्रॉब्लम है, एक एक करके बताऊंगा। ठीक है, एक एक करके, 1 2 3 4, एक एक करके बताऊंगा, चार प्रॉब्लम है। सुनो और सीखो कैसे उन प्रॉब्लम से निपटना है। एक होती है अंडरस्टैंडिंग, दूसरी होती है मिस अंडरस्टैंडिंग। पहले आता हूँ मिस अंडरस्टैंडिंग में, सॉरी अंडरस्टैंडिंग में। अंडरस्टैंडिंग आती है ये बॉन्डिंग में। ठीक है, जैसे स्कूल में टीचर और आपका जो बॉन्डिंग है वो है अंडरस्टैंडिंग, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का जो बॉन्डिंग है वो है आपका अंडरस्टैंडिंग, लेकिन कभी कभी वो बॉन्डिंग भी मिस अंडरस्टैंडिंग के बॉन्डिंग में आ जाता है। लेकिन लेकिन एग्जाम्पल, मान लो कि आप कॉलेज में हो, टॉपर हो, ठीक है, तो आपको टीचर की बात कोई भी समझ में नहीं, कोई समझ में आ रही है, सबको समझ में आ रही है टीचर की बात, और टीचर की बात आपको समझ में आ रही है और आप एग्ज़ाम में टॉप करते हो, तो वो होती है अंडरस्टैंडिंग। और बाई चांस आप फेल हो गए, बाई चांस आप फेल हो गए, तो टीचर आपको मान लो आपके 99% आ गए, सॉरी 99 बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं, 90% आ गए, तो आपका एक पॉइंट बना दे ये कह के कि चलो कीप इट अप, वो होती है अंडरस्टैंडिंग। अब आते हैं मिस अंडरस्टैंडिंग के बारे में, जो है दो, जो है दूसरा। मिस अंडरस्टैंडिंग होती है जो आपको जो समझ में आ रही है, ठीक है, कि मैं क्या कन्वे करना चाहता हूँ, लेकिन दूसरे तीसरे बंदे को वो समझ में नहीं आ रही कि मैं क्या मैसेज कर रहा हूँ, क्योंकि उसने कभी मेरी वीडियो नहीं देखी। गेटिंग माई पॉइंट? तो वो होती है मिस अंडरस्टैंडिंग। एक और एग्जाम्पल मिस अंडरस्टैंडिंग का, मान लो आपके साथ कोई गंदा सीन हो गया, ठीक है, गंदा पंगा हो गया, तो आप अपनी गर्लफ्रेंड को बताओगे कि यार पंगा हो गया मैं नहीं आ सकता, तो आपकी गर्लफ्रेंड क्या कहेगी, तुम्हारा तो काम ही है मेरे को टालना, आज पता है हमारी पहली डेट थी, फलाना फलाना। ठीक है, तो वो होती है मिस अंडरस्टैंडिंग, तो वो होती है मिस अंडरस्टैंडिंग। तो ये आपके ऊपर है, आपको अंडरस्टैंडिंग में जीना है कि मिस अंडरस्टैंडिंग में जीना है, इट्स अप टू यू। ठीक है, तो अब आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट नंबर 2, करियर। तो यार करियर कोई भी हो सकता है, कि इंजीनियरिंग भी हो सकता है, कारपेंटर भी हो सकता है, ब्लॉगिंग भी एक करियर है, ब्लॉगिंग भी एक करियर है, यूट्यूबिंग भी एक करियर है, एक्टिंग भी एक करियर है, लेकिन अगर आप फोकस हो, माइंड शार्प है, मैं नहीं कह रहा कि नालायक बच्चे जो कुछ नहीं करते वो ब्लॉगिंग करते हैं या एक्टिंग करते हैं, नहीं मैं अपनी बात नहीं कर रहा। मैंने किसी वजह से ये चुनी है लाइन, किसी वजह से सुनिए, क्योंकि मेरे को ये पसंद है, ट्रैवलिंग करना मेरा पसंद है, मेरा पैशन है। ठीक
है, ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग करना मेरा पैशन है, लोगों से बात करना मेरा पैशन है, तभी मैं बस से ट्रैवल्स एंड टॉक बना, ठीक है, तभी मैं बस से ट्रैवल एंड टॉक्स बना। और मैं अपनी बात बता रहा हूँ, पहले मैं इंजीनियर था, ठीक है, फिर उसके साथ साथ मैंने 12th भी करी, 12th में मेरे आगे 60%, ठीक है, 12th में मेरे आगे 60%, 60% आने के बाद मैंने साथ साथ में दो के साथ में इंजीनियरिंग और 12th के साथ में मैंने कारपेंटरी भी करी, कारपेंटर भी हूँ, 12th पासर भी हूँ, 12th पास आउट भी किया मैंने, और इंजीनियरिंग भी करी और ब्लॉगिंग भी शुरू करी 4 साल पहले, तब मैं जाके यहाँ आया। इंजीनियरिंग करी, इंजीनियरिंग ड्रॉप आउट करी, ठीक है, फाइनल ईयर में इंजीनियरिंग करी, कारपेंटर मैं हूँ, उसके बिहाफ में मैं पैसे कमाऊँगा, 12th ग्रेडर मैं हूँ, 12th पास आउट मैं हूँ, पास किया मैंने 60% से, ब्लॉगर मैं हूँ। तो जो ये और ये है ना, ये दोनों कारपेंटर और ब्लॉगर, उसको मिला के एक वर्ड बनता है फ्रीलांसर। मतलब जब भी कोई मतलब आप ये कह सकते हो कि मैं कारपेंटर में लोगों के टेबल, चेयर, बेड, कुर्सी वुर्सी भी बनाता हूँ, और मैं ब्लॉगिंग भी करता हूँ, आपको मोटिवेट भी करता हूँ। तो ये है मेरा, एक मेरा पैशन है, एक मेरा करियर है, दोनों को एक साथ जोड़ा तो फ्री लाइन से निकला। तो ये एक मेरा करियर है, एक मेरा पैशन है, दोनों को एक साथ जोड़ा, एक साथ जोड़ के जब प्लस किया तो फ्री लाइन से निकला। ये तो अपने करियर में ध्यान दो, और ये कोई भी आपको से पूछे ना कि आपका पैशन क्या है, दिल से बताओ कि मेरा पैशन है फुटबॉलर बनना, फुटबॉल खेलना, क्रिकेटर बनना, एक्टर बनना, जो भी है जो भी है। घबराओ मत, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मारेंगे तो बिल्कुल नहीं, आपको बस ये वीडियो दिखानी है, ये जो आप ये वीडियो देखो है ना, ये वीडियो दिखानी है आपको, बस वीडियो दिखा देना, समझ में आ जाएगा सामने वाले को कि क्या करना है, ठीक है। बोलती बंद, कैसे ये मुंह खुला है ऐसे, ठीक है। तीन चीज़ों के पहले अगर कोई बोले कि शादी करवा देते हैं, तो फिर आपको क्या करना है मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद ही समझदार हो, क्योंकि तो फिर उस बंदे को थप्पड़ तो नहीं मार सकते, क्योंकि आपसे बड़े हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके वेल विशर हैं, आपको जो भी कहते हैं अच्छा कहते हैं, थप्पड़ तो नहीं मारना, थप्पड़ मारना इज़ ए नॉट एन बिग 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 डील एंड नॉट गुड फॉर यू एंड योर फैमिली। सो यू कैन डू वन थिंग, यू कैन डू वन थिंग, यू कैन स्ट्रेट अवे ब्लश एंड टिमिड, बिकम टिमिड, और मतलब शर्मा जाना कि हाँ करवा दो। तो अगर वो पीछे बच जाए तो फिर मम्मी पापा को देख लो, मतलब मम्मी पापा को बता दो कि ऐसा ऐसा सीन है, और अगर मम्मी भी उनके साइड है और पापा मम्मी दोनों उनके साइड है, फिर यू हैव द बेटर ऑप्शन, नॉट टू स्लैप, टू इग्नोर दैट पर्सन, ठीक है, स्लैप नहीं, जो काम बोलने से उनसे हो सकता है वो स्लैप से क्यों करना है। क्या लाइन बोली है यार, लाइक करो।
मेरे को बहुत सारे लोग मेरे को टेक्स्ट करते हैं, मैसेज करते हैं, बोलते हैं कि यार यार बस एक प्रॉब्लम है। मैं भी बोलता हूँ क्या प्रॉब्लम है, तो वो कहते हैं कि हमारे घर वालों को लगता है कि घर वालों को लगता है जो हमारी जो वॉइस है वो चेंज हो रही है, और उनको लगता है कि हम उनसे रूडली बात कर रहे हैं। तो यार ऐसा है कि आप हो चुके हो 21 और 22 साल के, ठीक है, और कुछ होंगे 18 से 23 साल के, तो उसमें आवाज़ आपकी ऊपर जाती है नीचे आती है, ठीक है। तो दिक्कत लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, सबके साथ होता है। पहले मेरी आवाज़ ऐसी नहीं थी, पहले जो मेरी आवाज़ थी ऐसी नहीं थी, 18 साल की उम्र में मेरी आवाज़ ऐसी हुई है। चलो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। बाथरूम में जाना, ठीक है, शीशे के सामने आप बोलना, आपकी आवाज़ कैसे भारी हो जाएगी, कैसे आपकी आवाज़ भारी हो जाएगी ऐसे। और जैसे ही बाथरूम के बाहर आओगे लाइट हो जाएगी आपकी आवाज़। वो इसलिए क्योंकि ये जो कमरा है वो बड़ा है, और बड़े कमरे में आपकी आवाज़ चेंज हो जाती है, छोटे कमरे में आपकी आवाज़ वो भारी हो जाती है, हैवी हो जाती है। आप अगर किसी से बात करते हो तब भी आवाज़ चेंज हो जाती है, फेस टू फेस बात करते हो तब भी आवाज़ चेंज हो जाती है, मास्क पहनते हो तब भी आवाज़ आपकी चेंज हो जाती है, जैसे मेरी हुई है, ठीक है। और आप भागते हो तभी आपकी आवाज़ चेंज हो जाती है, और अगर आप खाना खाते हो, वैसे बुरी बात है खाने खाने के बीच में कभी बात नहीं करते। और तो अगर आप उनसे पोलाइटली भी बोलो ना कि ऐसे कि सॉरी, मान लो अगर आप बोल रहे हो क्या है क्या है क्यों तंग कर रहा है, तो उनको लगेगा कि आप रूड हो। आपको पता है आप रूड नहीं हो, ये आपका पोलाइट वे है, ठीक है। आपको लगेगा कि आप रूड नहीं हो, उनको लगेगा कि आप रूड हो, ठीक है। तो बोलो कि होता है, कभी कभी होता है, लेकिन लेकिन जो ये BCMC ACMC फलाना फलाना वो नहीं बोलना। और एक और एग्जाम्पल, तीन एग्जाम्पल दे दिया ना, बाथरूम में जाके आपको बोलना है, बोल के देखना है कि आपकी आवाज़ कैसी है। पहला पहला दूसरा दूसरा आपको ये फ़ोन में बात करनी है अपने किसी भी दोस्त से, और उसको रियलाइज़ नहीं होना चाहिए, उसको रियलाइज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है, कि मतलब आप अपनी जो वॉइस है वो रिकॉर्ड भी कर सकते हो और देख सकते हो कि आपकी आवाज़ भारी हुई कि हल्की हुई। ये आप बाथरूम में भी कर सकते हो, भारी और लाइट वाला। तीसरा तीसरा आप वीडियो बना के भी कोई टेस्ट कर सकते हो, जैसे हेलो 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 हेलो, नमस्ते 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 नमस्ते, ऐसे, ठीक है। और ये आप कहीं कहीं भी कर सकते हो, बाथरूम में, गाड़ी में, खुले में, गार्डन में, पार्क में, और स्कूल में, स्विंग्स में, कहीं पे भी, अपनी लॉबी में, कहीं पे भी। और फिर आगे मेरे को बताओ कमेंट में नीचे कमेंट में बताओ कि हाँ होता है मेरे साथ ये चार, ठीक है।